नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम सोनौने। मैं फादर एल आईटीआई नवी मुंबई वाशिम में एज एन इंस्ट्रक्टर के काम करता हूं। आज मैं आप लोगों को विंडशील्ड वाइपर मोटर जो व्हीकल के अंदर लगी जलती है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। उसके अंदर में उसके प्रिंसिपल, उसकी नीड, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग और उसके सर्किट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि उसका प्रिंसिपल क्या है। तो आपको तो नॉर्मली मालूम रहेगा कि मैग्नेट को दो पोल रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दो मैग्नेट अगर हम सामने सामने लेंगे तो सेम पोल आएंगे तो रिपल्शन करते हैं, डिफरेंस पोल आएंगे तो अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो वाइपर मोटर के अंदर डीसी मोटर यूज करते हैं। डीसी मोटर मतलब डायरेक्ट करंट की मोटर यूज किया जाता है। तो उसका प्रिंसिपल इस तरह काम करता है कि ये तुम्हारा यू मैग्नेट बार है। यू मैग्नेट बार में एक नॉर्थ टर्मिनल है, एक साउथ टर्मिनल है। ये बैटरी है तुम्हारा डीसी बैटरी 1.5 वोल्ट का। इस बाजू में पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो बीच में है, इस बीच में इसको बोला जाता है कि ये आयन कोर है या इसको आर्मेचर बोलते हैं। इस आर्मेचर के ऊपर कॉपर का वाइंडिंग किया जाता है। ये रेड कलर और ये ब्लू कलर, ये कम्यूटेटर बोला जाता है। इस कम्यूटेटर के थ्रू इसके अंदर करंट क्या होता है, पास होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां से बैटरी से सप्लाई जाके यहां से इस टर्मिनल से पॉजिटिव ब्रश, ये ब्रश कॉपर के बने रहते हैं बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कॉपर के ब्रश है तो ये पॉजिटिव ब्रश है। यहां से इसको निगेटिव सप्लाई मिलता है, यहां से निगेटिव ब्रश है। ये निगेटिव ब्रश और पॉजिटिव ब्रश इस कम्यूटेटर को टच करते हैं। कम्यूटेटर को टच करने में से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इसके अंदर सप्लाई होके कॉपर वाइंडिंग के अंदर आर्मेचर के अंदर फ्लो होता है। तो इसके वजह से इस आर्मेचर के अंदर भी क्या होता है, आयन कोर की वजह से इसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर भी मैग्नेट प्रोड्यूस होता है और ये तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट में इसके अंदर भी मैग्नेट है। इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। ऐसा इस मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आता है। तो जब सेम पोल सामने सामने आएंगे तो वो रिपेल करेंगे और डिफरेंस पोल सामने सामने आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे ये इसके अंदर करंट फ्लो होने के वजह से इसके अंदर का मैग्नेट और इसके अंदर मैग्नेट दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्शन रिपल्शन प्रिंसिपल के ऊपर ये आर्मेचर क्या होता है, रोटेट होता है। इसी तरह ये डीसी मोटर क्या करती है, काम करती है। गाड़ियों के अंदर वाइपर मोटर क्यों लगाया जाता है, तो उसका रीजन ऐसा रहता है कि जब बारिश के सीजन में विंडशील्ड के ऊपर पानी गिरता है, बारिश गिरता है, तो उसके वजह से हमको सामने का विजन क्लियर नहीं होता है। तो उस बारिश के वाटर को, बारिश के पानी को हमको क्या करना पड़ता है, वाइप करना पड़ता है। वाइप करने से क्या होता है, ग्लास क्लियर होता है और हमको अब सामने का विजन ऐसा क्लियर दिखता है। कुछ ऐसे गाड़ियों में स्मार्ट व्हीकल के अंदर ऑटोमेटिक वाइपर मोटर काम करते हैं। जैसे कि ग्लास के ऊपर पानी गिर गया, बारिश का पानी गिर गया, तो उसके वजह से क्या होता है कि सेंसर सेंस करते हैं और वाइपर मोटर को सिग्नल देते हैं। वाइपर मोटर को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। इसी तरह वाइपर मोटर काम करता है। दूसरा बात, ये जो है ये तुम्हारा वाइपर मोटर है, व्हीकल के अंदर वाइपर मोटर है। इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट है, इसके अंदर आर्मेचर है। इस शाफ्ट से ड्राइव क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ये वाइपर मोटर का अंदर का कंस्ट्रक्शन है जो कैसे रोटेट होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेटर मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट है सराउंड में, इसको बोला जाता है स्टेटर मैग्नेट। बीच में तुम्हारा रोटर कॉइल है, आयन कोर के ऊपर कॉपर का वाइंडिंग किया रहता है। ये ब्रश है, इसमें का ये भी ब्रश इसमें का एक पॉजिटिव ब्रश रहता है, इसमें का दूसरा जो है निगेटिव ब्रश रहता है। ये जो ब्रश बने रहते हैं ये कॉपर के बने रहते हैं और ये शाफ्ट है। जैसे कि ये परमानेंट मैग्नेट है और इस कॉपर के वाइंडिंग में रोटर के कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है, तो रोटर के अंदर में मैग्नेट प्रोड्यूस होता है और स्टेटर मैग्नेट की वजह से नॉर्थ पोल साउथ पोल सेम सामने सामने आते हैं, अट्रैक्शन होता है। दूसरे बाजू में साउथ पोल सामने सामने आता है, रिपल्शन होता है। ऐसा सेम पोल अगर सामने आएंगे तो रिपल्शन किया जाता है और डिफरेंस पोल सामने आएंगे तो वो अट्रैक्ट करते। इस तरह ये जो रोटर है वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है। इस रोटर के घूमने की वजह से ये शाफ्ट बाहर का आउटपुट बाहर ट्रांसमिट किया जाता है। ये सेक्शनल कट है वाइपर मोटर का, ये इसका हाउसिंग है। इस हाउसिंग के अंदर ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। बीच में इसका रोटर कॉइल है, इस रोटर कॉइल को आर्मेचर बोला जाता है। इस रोटर कॉइल से जो वायर्स बाहर निकलते हैं ये कम्यूटेटर को कनेक्ट रहते हैं। यहां ब्रश है, इसमें का एक ब्रश पॉजिटिव है, एक ब्रश निगेटिव है। इस आर्मेचर का शाफ्ट से ये शाफ्ट बाहर निकलता है। इस शाफ्ट के ऊपर वर्म गियर है,
कौन से गियर है? वर्म गियर, और इसी को वर्म व्हील बोला जाता है, वर्म व्हील एंड वर्म गियर। जैसे इसको सप्लाई ट्रांसमिट हो जाएगा वैसा ये आर्मेचर घूमने का, रोटर घूमने का शुरू होता है, ये घूमने के वजह से ये वर्म गियर भी घूमता है, और ये वर्म गियर इस व्हील को इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसका मतलब ये रोटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए ये पूरा गियरबॉक्स मैकेनिज्म वाइपर मोटर के अंदर दिया जाता है, इसको वर्म व्हील बोला जाता है। इसके अंदर एंड में जो है ये एडजस्टर है, एडजस्टर फॉर द आर्मेचर एंड फ्लोट। इसका मतलब जैसे कि हम जैसा वाइपर मोटर बंद करते हैं तो वापस वो बॉटम में आके रुक जाती है, बीच में किधर ग्लास के ऊपर आके रुकती नहीं है वो, जैसे आप ऑफ करेंगे, ऑफ करने के ऊपर वो डायरेक्टली ग्लास के एकदम विंडशील्ड के एंड में आके रुक जाती है, उसको एडजस्ट करने के लिए ये एडजस्टर दिया जाता है। तो और इसके ये दो वायर्स है जो यहां से इसको सप्लाई दिया जाता है। ये पूरे असेंबली का वाइपर मोटर का ये पूरा मैकेनिज्म है। ये वाइपर मोटर, इस वाइपर मोटर से आर्मेचर के थ्रू, रोटर के थ्रू ये शाफ्ट बाहर निकलता है जिसके ऊपर वर्म गियर रहता है। इस वर्म गियर को, ये वर्म व्हील है, इस रोटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए वर्म गियर और वर्म व्हील दिया जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है, दिस इज मैकेनिज्म ब्रॉड, ये पूरा लिंकेज है, और इसी मैकेनिज्म के ऊपर यहां एक ब्लेड बैठता है, वाइपर ब्लेड बैठता है, यहाँ एक वाइपर ब्लेड जिसको वाइपर ब्लेड बोलते हैं। ये जो वाइपर ब्लेड है, ये वाइपर ब्लेड विंडशील्ड के ऊपर बारिश का पानी को वाइप करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये जो वाइपर ब्लेड है, ये वाइपर ब्लेड रबर के बने रहते हैं, फ्लेक्सिबल रबर के बने रहते हैं। जैसे हम इसको सप्लाई पास होता है, ये मोटर रोटेट होती है, मोटर रोटेट जैसे होगी तो ये वर्म व्हील घूमता है, और ये वर्म व्हील रोटेट होने के वजह से ये जो इसका लिंकेज है, ये लिंकेज आगे पीछे ट्रैवल करता है। इसका मतलब इस रोटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए ये गियरबॉक्स दिया जाता है, वर्म गियर एंड वर्म व्हील, ऐसा ये मैकेनिज्म काम करता है। कुछ गाड़ियों में वाइपर के जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म रॉड के दिए जाते हैं, कुछ गाड़ियों में वाइपर के जो मैकेनिज्म है वो फ्लेक्सिबल रैक के दिए जाते हैं। ये जो फ्लेक्सिबल रैक बोले तो इसके अंदर भी वर्म गियर रहता है, और लेकिन वो फ्लेक्सिबल वायर के मार्फत फ्लेक्सिबल रहता है। ये फ्लेक्सिबल रैक है, फिर ये लिंकेज है, फिर उसके आर्म्स है, और ये ब्लेड है जो रबर के बने रहते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्म्स लिंकेज एंड दिस इज द फ्लेक्सिबल रैक। इस तरह के भी वाइपर्स मैकेनिज्म व्हीकल के अंदर यूज किए जाते हैं। ये वाइपर मोटर है, वाइपर मोटर का निगेटिव ब्रश बॉडी के साथ में ग्राउंड रहता है। इसके अंदर दो ब्रश है, एक है हाई स्पीड ब्रश, दूसरा है लो स्पीड ब्रश। ये दो रिले हैं। दिस इज कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल इसको बोला जाता है, ECM। ये मल्टीफंक्शन स्विच है, जैसे कि हम जानते हैं मल्टीफंक्शन स्विच जो ड्राइवर के स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड में नीचे की तरह रहता है, उसके अंदर दो फंक्शन रहते हैं, एक स्लो स्पीड वाइपर मोटर चलाने के लिए और एक हाई स्पीड वाइपर मोटर चलाने के लिए। तो इसी के लिए ये जो मोटर है, एक कभी लो स्पीड के ऊपर चलती है, कभी हाई स्पीड के ऊपर चलती है। लो स्पीड का जरूरत कब रहता है कि जब बारिश कम गिरता हो, थोड़ी थोड़ी बूंदे गिरती हो, दैट टाइम लो स्पीड वाइपर से हम क्या करते हैं, वाटर वाइप किया जाता है। और जैसे बारिश का डेंसिटी बढ़ गया, बारिश का अगर ज्यादा फ्लो होने लगा, दैट टाइम हम हाई स्पीड में डाला जाता है। तो हाई स्पीड एंड लो स्पीड सिलेक्ट करने के लिए ये मल्टीफंक्शन स्विच है, इसे लो स्पीड एंड हाई स्पीड क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। अभी ये रिले यूज करने का रीजन क्या है, तो नॉर्मली क्या होता है, वाइपर मोटर का अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 एम्पियर तक करंट का फ्लो लगता है, उसका कंधा में 15 to 20 एम्पियर तक का करंट का फ्लो है। अगर डायरेक्टली अगर 15 to 20 एम्पियर मोटर को देंगे तो ये स्विच हमको बड़ा लगाना पड़ेगा इसी के लिए सब, और वायर्स भी मोटी लगानी पड़ेंगी। इसके वजह से हम ये स्विच और वाइपर मोटर के बीच में क्या लगाया जाता है, रिले लगाया जाता है। ये जो रिले है, ये रिले मैग्नेटिक रिले, जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक स्विच है ये। तो ये तुम्हारा सर्किट ऐसा है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहां से पॉजिटिव होके यहां से वाइपर का फ्यूज है, ये वाइपर फ्यूज, ये जो आता है ये हाई स्पीड रिले के अंदर आता है, यहां से करंट फ्लो होता है फ्यूज के थ्रू होने के बाद में इस रिले के अंदर आता है। वैसा सेम ऐसा ही यहां से भी पॉजिटिव सप्लाई यहां से होके रिले के अंदर जाता है, और उसके बाद में जैसे हम ये मल्टीफंक्शन स्विच से इसको नेगेटिव सप्लाई मिलता है, यहां से पॉजिटिव इस रिले को मिला,
जैसा हम स्विच ऑन करते हैं, जब अगर जब वो लो स्पीड रिले को सप्लाई मिलेगा, लो स्पीड रिले को सप्लाई मिला तो वो लो स्पीड रिले क्या होता है, ऑन होता है। लो स्पीड रिले जब ऑन होएगा तो यहां से सप्लाई यहां से होके डायरेक्टली इस लो स्पीड हाई स्पीड के ऊपर जाती है। यहां से मतलब ये तुम्हारा हाई स्पीड रिले का है और ये तुम्हारा लो स्पीड रिले का। यहां से इस स्विच के थ्रू हम सिर्फ क्या करते हैं, निगेटिव सप्लाई इस रिले को देते हैं, तो रिले ऑन होता है। और रिले ऑन होने की वजह से हाई स्पीड का रिले ऑन हो गया तो हाई स्पीड को ब्रश को सप्लाई मिलता है, लो स्पीड रिले ऑन हो गया तो लो स्पीड को रिले को सप्लाई मिलता है। इसी तरह ये सर्किट क्या करता है, काम करता है। ये ईसीएम देने का रीजन ऐसा है कि कुछ ऐसे स्मार्ट व्हीकल के अंदर ऑटोमेटिक वाइपर मोटर चालू होता है, तो उसका रीजन क्या है, जैसे ही बारिश चालू होएगा, कभी कभी रास्ते में चलाने के समय कभी बारिश बंद होता है चालू होता है, तो जैसे विंडशील्ड के ऊपर वाटर गिरेगा, वाटर गिरने के बाद में ऑटोमेटिकली वो सेंस हो जाता है, सेंसर सेंस करते हैं और रिले को क्या, इस ईसीएम को क्या दिया जाता है, सिग्नल जाता है। ये सिग्नल देने की वजह से ईसीएम क्या करता है, लो स्पीड एंड हाई स्पीड के रिले को सप्लाई देके इस मोटर को रोटेट करने का, चालू करने के लिए सप्लाई पास किया जाता है और वाइपर मोटर काम करना शुरू करता है। इसी तरह ये सर्किट काम करता है। अगर आपको, अगर मेरा वीडियो अगर समझ में आ रहेगा तो मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू।